इसराइल के बचाव में अमेरिका ने तमाम हदें पार कर दी हैं। अमेरिका के एनवॉय ने यूएन के अंदर यूएन पर ही गुस्सा फोड़ दिया और कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि यूएन का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इसराइल पर है और इसराइल ही यूएन के लिए एक प्रॉब्लम है। इसराइल के साथ यूएन भेदभाव कर रहा है और यूएन को कोई और नज़र नहीं आ रहा है इसराइल के सिवा, लिहाजा इसराइल पर ही यूएन का पूरा फोकस है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। पूरी तरह से गुंडागर्दी अपनाते हुए अमेरिका ने यूएन के अंदर ही कह दिया कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के किसी भी बयान को नहीं मानेंगे। हजरत मोहतरम, मैं भी ये तस्वीर में अलग से नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि भेड़ बकरियाँ मरी हुई हैं। इसराइल के सेटलर्स ने, यहूदियों ने फिलिस्तीनियों की भेड़ बकरियों को, 50 से ज़्यादा भेड़ बकरियों को जहर खिलाकर मार दिया। जानवर को भी जो हैवान मार रहे हैं उनकी हैवानियत का सबूत इससे बड़ा क्या होगा कि वो जानवरों को भी नहीं बख्श रहे हैं। वहीं फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में दर्जनों लोगों को इसराइल ने पिछले एक ही दिन में कत्ल कर दिया, दर्जनों को। अब उनके जनाजे का मंजर आपके सामने है। और उधर 10 सालों में पहली बार हुआ है कि फिलिस्तीन के इलाके में, गाजा की बात नहीं हो रही है, फिलिस्तीन के इलाके में UNRWA के एक कार्यकर्ता को, वर्कर को इजरायली स्नाइपर ने निशाना बनाकर गोली मार दी। यानी कल तक तो इजराइल धोखे से मार रहा था और अब खुल्लम खुल्ला स्नाइपर के जरिए UNRWA के कार्यकर्ताओं को गोली मार रहा है इसराइल। हजरत मोहतरम, गाजा के अंदर इसी तरह से इसराइल के हमले जारी हैं। एक छोटा सा बच्चा माँ के सामने मारा गया। इसराइल की बमबारी में एक माँ की गोद उजड़ी, तो हाल ये था। हज़्ब अल्लाह व निमल वकील। उधर इसराइल के सेना के कमांडर सोच रहे हैं नॉर्थन गाज़ा को, जो इलाका लेबनान से मिलता है, उस इलाके को गाज़ा के परमानेंटली मिलिट्री जोन बना दिया जाए, यानी हमेशा के लिए वहां इसराइल की ख़तरनाक से ख़तरनाक बटालियन को तैनात कर दिया जाए। वहीं इसराइल ने, ये तस्वीर देख लीजिए, पूरी ताकत से पिछले 48 घंटे में गाज़ा के अंदर ख़तरनाक बमबारी की है, जिसमें सैकड़ों मकानों को उसने ज़मींदोज़ कर दिया है और सैकड़ों लोग बुरी तरह से झुलस चुके हैं, मारे गए हैं। मेरे दोस्तों, इसराइल के फौजी कमांडर रफा के अंदर, टैंक के अंदर बैठकर, आम व्हीकल के अंदर बैठकर साफ कह रहे हैं कि हम रफा को समतल कर देंगे, मिटा देंगे, बर्बाद कर देंगे। देखिए, התגלמות הרע בעולם מתנגד לעם ישראל
בתחתית שלו, אין לו שום דבר עם עם ישראל. יש לו התנגדות, האותי קצת עם עם ישראל. אומרת התורה, אותם צריך למחות, לפעמים צריך להשתמש בכלים של הרע, כדי להחריט אותו ולמחות אותו. वहीं आपको याद होगा अमेरिकन और तुर्किश एक महिला एक्टिविस्ट मारी गई, उनकी याद में फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में मेमोरियल रखा गया और लोग इकट्ठा हुए उनको याद करने के लिए। तो इसराइल की मिलिट्री ने उन लोगों को वहां से मार पीट कर हुड़दंग मचा कर भगा दिया। उधर मेरे दोस्तों गाजा के अंदर ये देखिए, इजरायली सैनिक ने एक पूरे इलाके को तबाह करके हाथ में एक बैनर लिया हुआ है। उस बैनर पर हेब्रू भाषा में एक नाम लिखा हुआ है और नीचे लिखा है कि यहाँ पर यहूदियों की एक बेकरी खुलेगी। तो आप समझ सकते हैं पूरी तरह से कब्जा जारी है। अब बिल्कुल ताज़ा तरीन सुनिए, कुछ ही घंटे पहले इसराइल ने गज़ा के ऊपर, पूरे गाज़ा के ऊपर कई इलाकों में एक साथ बमबारी करके 60 फिलिस्तीनियों को एक साथ कत्ल कर दिया है। उधर इसराइल 7 अक्टूबर से अब तक वेस्ट बैंक के इलाके से 10,700 फिलिस्तीनियों को किडनैप कर चुका है। उधर इसराइल के अंदर इसराइली लोग नेतन्याहू के खिलाफ अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अब एक आपको बता दूं कि खबर है जिसे अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल ने पूरी तरह से अपनी पूरी ताकत झोंक कर छुपाया है। इससे पहले एक अमेरिकी फौजी ने अमेरिका में ही खुद को आग लगाकर गाजा फिलिस्तीन के लिए मौत को गले लगा लिया। अब ऐसे ही इस व्यक्ति को देखिए, ये पुराना वीडियो है इनका, ये एक अमेरिकी अधिकारी है और इस व्यक्ति ने ये वीडियो पहले रिकॉर्ड किया था जिसमें इसने कहा कि गाजा के अंदर नरसंहार हुआ है और तबाही मचाई गई है और फिलिस्तीनियों के साथ नाइंसाफी हो रही है। ये इनका पहले का वीडियो है। अब आपके सामने ये सीसीटीवी फुटेज लेटेस्ट है। इन्होंने बोस्टन के अंदर इजरायली एम्बेसी के बाहर, अमरीका के बोस्टन में इजरायली एम्बेसी के बाहर जाकर खुद को आग लगा ली और मारे गए, आत्महत्या कर ली। इससे और अमेरिकी भड़क जाते और अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ दुनिया में और गुस्सा बढ़ता। इसको देखते हुए अमेरिका ने इस पूरी खबर को छुपा लिया, दबा दिया। जब से जंग चल रही है दोस्तों, ये 5वें अमेरिकी हैं जिन्होंने आत्महत्या की है और अमेरिका ने पूरी ताकत से इन खबर को छुपाने की कोशिश की है। गज़ा के इलाकों पर कब्जा करके आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि इसराइल के सैनिक इसराइल का झंडा लहरा रहे हैं। वही हालात ऐसे हैं, तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, प्रूफ दिखा रहा हूँ, बिना प्रूफ के नहीं चलूँगा। देख लीजिए, इसराइल के सैनिकों ने गाज़ा के अंदर बेगुनाहों को नंगा करके हाथ पैर बांध कर उनको कैदी बनाया हुआ है। उधर स्पेन के अंदर अरब और यूरोपीय देशों की मीटिंग हुई, ये है उसके विजुअल्स। दोस्तों इस मीटिंग का मकसद था कि फिलिस्तीन में शांति लाना और फिलिस्तीन को मान्यता दिलाना, यानी यूरोप और स्पेन
पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि फिलिस्तीन को मान्यता मिल जाए, लेकिन अमेरिका और इसराइल ऐसा होने नहीं देंगे। वहीं मेरे दोस्तों, वेडनेसडे को इसराइल ने जिस यूएन के स्कूल पर बमबारी करी, यूएन ने बताया कि वो पोलियो का सेंटर था जहां गाजा के बच्चों को पोलियो पिलाया जा रहा था, और अमेरिका और इसराइल को ये बात पता थी। उधर मेरे दोस्तों, तस्वीरें सामने आ रही हैं गाजा के टूटे हुए लोग अपने टूटे हुए आशियाने में दोबारा बसने की कोशिश कर रहे हैं। हजरात, आपको याद होगा कि एक मुस्लिम यहूदी को हमास ने आज़ाद किया, और अमेरिका ने और इसराइल ने कहा कि हमने इसे खुद आज़ाद करवाया गाजा के अंदर जाकर। अब इसराइल की रिपोर्ट से खुलासा ये हुआ है कि उस बुज़ुर्ग यहूदी मुस्लिम व्यक्ति ने यह बयान दिया है कि मुझे आज़ाद इसराइल की मिलिट्री ने नहीं करवाया, मुझ पर तरस खाकर हमास के लड़ाकों ने मुझे आज़ाद किया था। उधर फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री ने वेस्ट अमेरिका और इसराइल को लताड़ लगाई है, और अपनी करंट गवर्नमेंट को भी। आपको बता दूं कि उन्होंने क्लियर कट कहा है कि हम जेनोसाइड का साथ दे रहे हैं, पूरा वेस्ट गाजा के जेनोसाइड का साथ दे रहा है, और ये जो पूरा वेस्ट नाइंसाफी कर रहा है, ये सब एक ना एक दिन हमें भुगतना होगा। सुनिए। Aujourd'hui nous n'avons plus de voix sur la scène internationale. On a l'Ukraine qui est en train de s'accélérer, de se dégrader. On a Gaza qui est sans doute le plus grand scandale historique je n'ose pas même trouver de référence, et dont plus personne ne parle dans ce pays. C'est le silence, la chape de plomb. Les médias n'en parlent plus. Je suis obligé de googler pour trouver une brève qui me donne des nouvelles du nombre de morts qui se passent à Gaza. C'est un véritable scandale sur le plan de la démocratie. Et tout cela au nom de quoi? Au nom de la guerre. Ah, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est comme ça. Je veux bien, mais c'est pas une guerre tout à fait comme les autres à Gaza, puisque ce sont des populations civiles qui meurent. Donc, on est en absurdie. Et la France s'efface. C'est la France qui est en train de payer l'addition. Et ça, moi, je ne peux pas l'accepter. On va y venir. La guerre a fait des dizaines de milliers de morts à Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas parle de plus de 40 000 morts. L'enclave est plongée dans un désastre humanitaire et sanitaire. Mais alors, il n'y a pas que le... J'entends ça en permanence. Il n'y a pas que le ministère de la Santé du Hamas qui dit qu'il y a 40 000 morts. Bonne nouvelle, c'est ça. कि हमास के सीनियर लीडर और तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ ने तुर्की के अंदर आपस में मुलाकात की है। सऊदी अरब ने एक लंबे समय के बाद नेतन्याहू की निंदा की है कि ये जॉर्डन वैली में, जॉर्डन के इलाके में जो नेतन्याहू गए, इससे तनाव बढ़ेगा और मिडिल ईस्ट में शांति भंग होगी। उधर अरब और इस्लामिक समिट के दौरान मांग की गई इस्लामिक और अरब देशों के द्वारा कि पूरी दुनिया से हम मांग करते हैं कि फिलिस्तीन को मान्यता दी जाए ताकि टू स्टेट सॉल्यूशन निकल आए। मेरे दोस्तों, इसराइल की मिलिट्री ने जो इन्वेस्टिगेशन की, उस रिपोर्ट से खुलासा ये हुआ है कि 7 अक्टूबर से पहले 7 से 8 टनल्स जो गाजा को अंदर ही अंदर इजिप्ट से जोड़ रही थी, इजिप्ट ने उन टनल्स को बंद कर दिया था। यानी इसराइल अपनी रिपोर्ट में ये बताना चाह रहा है कि 7 अक्टूबर को क्या होने वाला था, इजिप्ट को मालूम था। हजरत मोहतरम, कट्टरवादी नेता बेंजवीर पूरे इसराइल को गृह युद्ध में ले जाएगा। अब नेतन्याहू के खिलाफ जो यहूदी प्रदर्शन कर रहे हैं, उन प्रदर्शनकारियों पर यहूदी समर्थक जो अंधभक्त हैं, नेतन्याहू के जो अंधभक्त हैं, वो अपने ही इसराइलियों पर अटैक कर रहे हैं। जैसे भारत में मोदी समर्थक जो अंधभक्त होते हैं, वो मोदी विरोधी भीड़ के ऊपर जो हमला करते हैं, ठीक वैसे ही वो इजरायली जो नेतन्याहू के खिलाफ हैं, तो नेतन्याहू के भक्त उस भीड़ पर हमला कर रहे हैं। तो इसराइल के कट्टरवादी नेता ने, बेंजवीर ने, उन हमलों को सराहा है, कहा है बहुत बढ़िया, अपने तानाशाह को इसी तरह से बचाओ, और जो भी प्रधानमंत्री के खिलाफ हो उस पर हमला करो। उधर यमन के लड़ाके 7 अक्टूबर से अब तक लाल सागर में 80 से ज़्यादा जहाज़ों को निशाना बना चुके हैं, और अमेरिका, बरतानिया पूरी तरह से इस यमन के लड़ाकों के आगे कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आया है। उधर ईरान ने खारिज कर दिया है कि सीरिया के अंदर हमारी मिलिट्री पूरी सेफ है, हमारे लोगों को किडनैप नहीं किया गया है। हालाँकि
इस बात पर ईरान की कोई भरोसा नहीं कर रहा है। उधर इसराइल ने एक रिपोर्ट जारी करके कहा है कि ईरान क्रिमिनल्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हायर कर रहा है, लड़ाकुओं को हायर कर रहा है कि पूरी दुनिया में यहूदियों को निशाना बनाया जा सके। हालांकि इस बात का कोई सबूत इसराइल ने नहीं दिया है। उधर अमेरिका की व्हाइट हाउस ने कहा है कि इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद ईरान ने काफ़ी ज़्यादा जो है एग्रेशन दिखाया है। उसने तब से अब तक 20 ड्रोन फायरिंग सेंटर बना लिए हैं और 80 टेम्परेरी लॉन्चिंग बंकर्स भी बनाकर तैयार कर लिए हैं। ईरानी राष्ट्रपति पेजेस्कियान ने बिल्कुल सटीक बात कही। उन्होंने कहा कि आज अगर अरब देश, मुस्लिम देश एक दूसरे पर भरोसा करते तो आज इसराइल की इतनी हिम्मत न होती कि वो फिलिस्तीनियों का नरसंहार करवाता। सुनिए, शुमा मिचुनी सवार कतार बशीद अस फ्रांसे बियाइट होलांड बिरिट अलमान बरगर्दिद हिच मन इयो मुश्किली वजूद नदर राहत मिचुनी इन कारो बकनी चरा नबायद मा मुसलमान हा यकी अस पाकिस्तान अफगानिस्तान सवार कतार बशे बियाद ईरान बियाद बरे नजफ बरे कर्बला बियाद बसरे बरे मदीने बरे मक्के چرا ما نباید بتونیم یه چنین کاری رو بکنیم؟ تجار ما، دانشگاهیان ما، علمای ما، صنعتگران ما، هنرمندان ما بتونن. حضرات محترم اس بارکوڈ کا استعمال کیجیے، اپنی رائے کمنٹ میں لکھیے، اس بارکوڈ کا استعمال کرتے ہوئے غزہ اور فلسطین کی مدد کے لیے آگے آئیے۔ اپنی رائے کمنٹ میں لکھنا بے حد ضروری ہے۔ ہمارے چینل رضاگرافی انسکرپٹڈ کو سبسکرائب کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور انتظار کریں میرے اگلے اپڈیٹ کا۔ تب تک کے لیے جے ہند۔